रहने वाला बिहार से हूँ वैशाली, और रंगमंच में शुरू हुआ था पटना से। पटना के बाद मैं दिल्ली गया, NSDD पेट्रिक लोगों के साथ काम किया, 4-5 साल वहाँ पर रहा। वहाँ से आने के बाद वहाँ से जर्नी मेरी चली बॉम्बे के लिए। बॉम्बे में आने के बाद बहुत सारा धक्का खाया और अभी तक खा ही रहा हूँ। और मैं पहले सतीश कौशिक के साथ काम किया था मैंने पहले, लेकिन मेरा मोटो कुछ और था तो मैं उनके साथ छोड़ दिया। देन उसके बाद मैंने छोटे मोटे काम करता रहा, बालाजी के लिए बहुत सारा सेल किया मैंने, कंटिन्यू किया मैंने, ये जर्नी में ही रही। भोजपुरी में लेट होने मेरा कारण ये है कि मेरा मोटो हिंदी था, है ना, लेकिन मुझे अक्ल नहीं थी कि मीडिया तो मीडिया ही होता है। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं भोजपुरी भी करूँगा तो भोजपुरी में भी जी जान से लग गया। तो एक मेरी पहली फिल्म थी सैया बहन परदेसिया, जो बिहार में रिलीज हुई बिहार में। उसके डायरेक्टर सुबोध गांधी थे और प्रोड्यूसर थे ये रामजी सिंह। ये मेरी दूसरी मूवी है और तीसरी मूवी मार्च में। अच्छा, ये फिल्म फैमिली ड्रामा है। इसमें एक कैरेक्टर है बजरंगी, उसकी ज़िंदगी में केवल उसकी माँ है और उसके दूसरे उनके हनुमान जी भगवान, दो के अलावा कोई ज़िंदगी में है ही नहीं। और कभी भी वो उसके अलावा किसी पर ध्यान ही दिया। हाँ, गांव को बहुत प्यारा है वो, सबका काम धाम करता है, सबकी देखभाल करता है, सबका प्यारा है वो, लेकिन लड़कियों से बहुत दूर रहता है वो। शादी भी नहीं करना चाहता है, उसके दिमाग कुछ और चल रही बातें, शादी करना ही नहीं चाहता वो। लेकिन घटनाएँ दुर्घटनाएँ चलती रहती है और माँ की लालसा है कि मेरा बेटा कि शादी हो, बाल बच्चे हो, मेरा खाना रहा, आगे बढ़े, जो हर माँ की एक लालसा होती है। लेकिन उस लालसा के बीच में और मेरी माँ के बीच में दोनों में द्वंद चलती रहती है। फिर भी माँ जीतती है, माँ कहती है कि भाई तू तो शादी कर ले, मेरी माँ की बात माननी पड़ती है और मैं शादी कर लेता हूँ। लेकिन शादी तो मेरी हो जाती है लेकिन मैं सुहागरात अपनी मना नहीं पाता हूँ। तो घटना घटती है, मैं निकल लेता हूँ बाहर, बाहर जाने के बाद मेरी यादाश्त चली जाती है, उसके बाद घटना दर घटना गुजरती रहती है, दिन में वापस आता हूँ। जी जी, ये हमारे गांव के कैरेक्टर है गौरी, जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। उसकी मंशा है कि मैं शादी करूं, लेकिन मैं तो हनुमान भक्त हूं, मुझे मतलब ही उससे नहीं रहता है। तो चाहती किसी तरह से मैं उसको इस पटाऊँ, किसी तरह कुछ भी करूं कि मुझे शादी कर ले वो। तो वो मेनका है, मैं विश्वामित्र हूँ देखा जाए तो मेरी तपस्या भंग करना चाहती है वो, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये इस फिल्म में जो रूपा सिंह हैं, प्रतिभा पांडे हैं, महेश आनंद जी हैं, उसके बाद ये अभय झा हैं, माँ के रोल में ये हैं शकीला मजीद जी, इस मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट है, पहले हीरोइन रह चुकी हैं वो, माँ कर रही हैं, मेरी माँ बनी है वो। रितेश जी की जितनी भी तारीफ करूँ बिल्कुल ये होता ना कि मेरे हिसाब से, बाकी जो है लोग नज़र में क्या मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं उनको मेरे पास शब्द ही नहीं उनके लिए कुछ कहने के लिए। उनके विषय में कुछ कहूँ मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है, बहुत सारी उन्होंने फिल्में कर चुके हैं, कई प्रोड्यूस भी उन्होंने किया है, कई फिल्म रिलीज है, बड़ी फिल्म रिलीज है उनकी। उनके साथ मेरा पहला अनुभव है और अच्छा अनुभव है। कंचन झा निर्मात्री हैं, उनको स्टोरी अच्छी लगी तो उन्होंने अप्रोच किया कि भाई इस पर फिल्म बनाई जाए, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ में उनके साथ में एक आदिति आर्या हैं जो बिहार की ही हैं, वो दोनों मिलकर काम कर रही हैं। साथ में ये है संतोष प्रजापति, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए कि आज सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी फिल्म की मिट्टी की खुशबू ख़त्म हो गई है मेरे हिसाब से। मैं किसी को आईना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ना मैं खुद देखना चाह रहा हूँ, जो मुझे फील हुआ कि मिट्टी खुशबू ख़त्म हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जो फैमिली ड्रामा जो बने तो भोजपुरी खुशबू आए इसमें, चूँकि कि मैं लंदन दिखाऊँ, अमेरिका दिखाऊँ, ये दिखाऊँ, वो दिखाऊँ, तो देखने के तो सलमान खान भी पड़े हुए हैं, हमें मुझे लोग क्यों देखेगा। जब तक मिट्टी कुछ जुड़ाव नहीं होगा मिट्टी का, अपने खेत का, खलिहान का, अपनी भाषा का, तो मुझसे क्यों जुड़ेंगे लोग। लेकिन मैं कोशिश किया, उनको जोड़ने की कोशिश की मैंने इस फिल्म के माध्यम से। कुछ तो फैमिली ड्रामा है, कोई आइटम सॉन्ग इसमें नहीं है, लेकिन इंटरटेनिंग फिल्म है ये, और इसको मसाला फिल्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंटरटेनिंग फिल्म बोल सकते हैं इसको। इसके बस मैं तो चाहूँगा कि मैंने एक कोशिश की है और कोशिश में कितना सफल हूँ
वो तो आप ही बता सकते हैं, और आपका प्यार मुझे चाहिए आगे की सफलता के लिए। मैंने मेन में इसमें दो है, लीड में जेंट्स में एक अरविंद पोद्दार जो मैं हूँ, एक है संतोष सागर जो सेकेंड लीड कर रहे हैं, और उन्होंने एक फिल्म और भी की है जो रिलीज पे हिंदी फिल्म में, वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बिहार से हैं, है ना, उनका शूट लगेगा 2 दिन बाद से। हाँ जी, 3 हीरोइन इसमें हैं, 2 हीरोइन मेरे साथ में है, रूपा सिंह और प्रतिभा पांडे, उनके साथ में साना नाम की लड़की है, वो है जो उनके अपोजिट में काम कर रही है। महेश आचार्य सबके पैर छू के प्रणाम करता नहीं, और अभी एक फिल्म के शूट पर बानी, जो फिल्म के नाम अभी फाइनल नहीं किया भाई, प्रोडक्शन नंबर 1 से शूटिंग होता, जेकर डायरेक्टर बाड़े रितेश ठाकुर जी, और उनका साथ अभी लगातार हमारे की 7वां 8वां फिल्म करा था उनका जो है, और बड़ा मजा वाला उनका साथ काम करके। हाँ, ये फिल्म में एक्चुअली हम 2 को काम करा था, एक तो एक्टिंग भी करा था नहीं, पंडित करे वो लोग देख लो कम जो हमारा के अपन अपन मोबाइल में सिनेमा हॉल में, और ई में भी एक रोल करा था नहीं पंडित के, और एक में डांस मास्टर भी बने हम, तो दोनों काम एक हमारा चला। टैलेंट दो काम का है नहीं, 4 काम कर लेंगे रे, हम पानियों खुद से पी लेते हैं, समझ में आया। हाँ, तो डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी हैं, और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं वो, उनके साथ काम करके मज़ा आता है, और आने वाली भी 3-4 फिल्में उनके साथ कर ही रहा हूँ मैं, पीछे 7-8 फिल्में कर चुका हूँ उनकी मैं, बलमा बिहार वाला 2, सपेरा, काफ़ी फिल्म उन्होंने किया, और सारे फिल्मों में मैं रहता हूँ, खुशी की बात यह है, और आगे भी उनके साथ जुड़ा रहूँगा, और इस फिल्म के डायरेक्टर है वो, निर्देशक हैं, और बाकी आज पहला दिन है, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं इस फिल्म के बारे में, धीरे धीरे घुल मिल जाऊँगा तो पता चलेगा कौन क्या क्या कैसा है। नहीं नहीं, हीरो तो अभी न्यू कमर है, बाकी हीरोइन रूपा सिंह जी हैं, प्रतिभा पांडे जी हैं, और काफ़ी अच्छा यूनिट है, और काफ़ी सुलझे हुए, मतलब मज़ा आ रहा है शूटिंग करने में, आज पहला दिन है फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पहला दिन है, ऐसा लग रहा है हम लोग बहुत दिनों से यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है शूटिंग में। हाँ हाँ, मैं उनका दोस्त भी हूँ, उनका गुरु भी हूँ, वो मेरे से डांस सीखे हैं काफ़ी दिनों तक, और आप लोगों ने उनके साथ मेरी जोड़ी देखी होगी काफ़ी फिल्मों में, और बड़ा अच्छा हम लोग का टाइमिंग है कॉमेडी का, तो अभी हाल में काफ़ी फिल्में रिलीज हुई हैं हमारी, और भी फ्लोर पे हैं, जाल आने वाली है, काफ़ी फिल्में आने वाली हैं, तो आप लोग देखिएगा और प्यार दीजिएगा, और अभी वो बिग बॉस में हैं, तो आप लोग उनको वोट कीजिए, वोट ऐप डाउनलोड करके, और उनको मतलब विनर बनाइए आप लोग। अरे बिहार की बात है, यूपी की बात है, भोजपुरिया समाज की बात है, जितना हो सके बढ़ चढ़ के आप लोग वोट कीजिए, ताकि हमारा समाज जिंदाबाद था, है और रहेगा, ऐसा ताकत आप लोग लगाइए। फैन से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है, काफ़ी हम लोग सारे आर्टिस्ट सारे टेक्नीशियन लगे हुए हैं वोट के लिए, अपील कर रहे हैं, और आपसे भी हमारी यही अपील है कि आप लोग भी वोट ऐप डाउनलोड करके उनको वोट कीजिए और विनर बनाइए, क्योंकि अभी ये समाज की बात है, समाज का नाक सब समय सीना चौड़ा होना चाहिए, भोजपुरिया समाज जिंदाबाद तो जिंदाबाद। एक फिल्म है और बहुत अच्छी स्टोरी है, फैमिली ड्रामा है, अच्छी फिल्म बन रही है, और आज से हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं मुंबई मड में, और फिल्म में हमारे साथ रूफा जी हैं, एक हीरो अरविंद जी हैं, कुणाल जी हैं, शकीला माजिद हैं, प्रतिभा पांडे हैं, देव सिंह हैं, सब मार्केट के लोग हैं, और फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, अभी हम लोग आज से ही शूटिंग की और अभी ब्रेक हुआ है, तो आप लोग के समक्ष हम लोग आए हैं। अरविंद जी के साथ मैंने अभी सीन किया, वो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे एनर्जेटिक हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं, तो काम करके अच्छा लग रहा है, कोई कलाकार अच्छा काम करे तो यही हम लोग चाहते हैं कि कलाकार अच्छा करेगा तो हम लोग भी अच्छा करेंगे। फिल्म में दो हीरोइन हैं, रूपा जी है आपके साथ और प्रतिभा जी है, दोनों का क्या किरदार होगा? रूपा जी का विवाहिता जीवन है, इनका पति छोड़ के भाग जाता है, फिर ये अपना पति को पाने के लिए अलग रूप धारण करती हैं, और फिर जाती हैं पति को पा कर आती हैं, फिर ज़बरदस्त क्लाइमेक्स है जिसमें खुलासा होता है। रूपा जी, क्या कहेंगे विशेष तौर पर?
रितेश सर के साथ मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके, बिल्कुल लग ही नहीं रहा सेट पे हूँ, बिल्कुल घर वाला माहौल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके, कोई बर्डन नहीं है, किसी टाइप का प्रेशर नहीं है, बहुत प्यार से काम निकलवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है ऐसे काम करके मुझे। गलत सुना है आपने। हाँ, जहाँ काम नहीं हो पाता है तो वहाँ तो गुस्सा करना लाजमी है कि नहीं? सही, मेरे साथ तो बहुत अच्छे से पेश आया और आगे ऐसा करती हूँ अच्छे से ही। काम अगर कोई अच्छा करे तो गुस्सा क्यों करेगा? जो आदमी इरिटेट कर दे तो गुस्सा आएगा ही ना, किसी को भी आए। 100% चाहते हैं तो कम से कम 90% तो दो। जी, गाने बहुत अच्छे हैं, गाने 8 हैं और कमाल के गाने हैं सारे, रोमांटिक्स और परिवार को देखने लायक फिल्म बन रही है, पारिवारिक फिल्म बन रही है। और जो अभी ज़माना आ रहा है, जैसे लोग चाह रहे हैं फिल्मों का, वैसी फिल्में हम लोग लेके आ रहे हैं, तो फैमिली ड्रामा और बहुत अच्छी फिल्म बनी है और इस फिल्म में आपको वो सारी चीज़ देखने को मिलेगी, पूरे परिवार के साथ बैठ के आप फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म में हम लोग मुंबई में शूट कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशनों पर शूट कर रहे हैं, फिर इसके हम लोग 3 गाने मुंबई में करेंगे, बाकी 5 गाने हम लोग अलग अलग जगहों पे जाके करेंगे ताकि फिल्म का ग्रेंजर थोड़ा हाई हो जाए। एक्शन कमाल का है, दिनेश फाइट मास्टर है जो कर रहा है एक्शन, और 4 एक्शन हैं, चारों एक्शन कमाल के हैं। हाँ, मेरे को प्रतिभा जी का पहले मैं फिल्में देख चुका हूँ, प्रतिभा जी अच्छी आर्टिस्ट हैं और प्रोड्यूसर की तरफ से आया कि प्रतिभा पांडे को इस करेक्टर में लेते हैं, तो हम लोग 2-4 चयन किए थे लेकिन प्रतिभा पांडे हमको बेटर लगी क्योंकि एक्टिंग भी कमाल की करती हैं और परफॉर्मर भी हैं और शुरू से सब लोगों के साथ काम किए हैं तो अच्छा लगा उस करेक्टर में हमको, तो प्रतिभा पांडे को हमने उन्हें फाइनल किया और अच्छा काम कर रही। रूपा जी क्या है ना, कलाकार हैं और ये हर तरह की फिल्में करती हैं। कलाकार क्या होता है, एक्शन भी करे, रोमांटिक भी करे, कॉमेडी भी करे, फैमिली ड्रामा भी करे, फैंटेसी फिल्में भी करे, तो ये हर फिल्मों में खप जाएंगी ऐसी हमको आशा है और ऐसा आर्टिस्ट हैं तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, किसी चीज़ में रम जाती है। कब तक फिल्म दर्शक देख पाएंगे? दर्शक इसको फरवरी में देखेंगे, फिल्म को होली के आसपास फिल्म कंप्लीट होगी और जैसा समय रिलीज का मिलेगा वैसा हम लोग रिलीज करेंगे। अमरीश जी, एक नई फिल्म की शूटिंग चल रही है, फिल्म के कलाकार जो हीरो है वो नए हैं अर्जुन पोद्दार जी, क्या शुभकामनाएं देंगे आप पूरी टीम को? सबसे पहले तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं अमरीश सिंह, जो कि आज भोजपुरी के इस दौर में एक इन्होंने मुकाम छेड़ा है बहुत अच्छा, अरविंद पोद्दार जी ने एक अच्छी पहल लेके आई है जो कि बहुत खूबसूरत लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, एक अच्छी फिल्म है, अभी टाइटल नहीं आया, प्रोडक्शन नंबर 1 पे, तो मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही तरक्की करते रहें और भी फिल्में करते रहें। मैं प्रोडक्शन नंबर 1 को ये शुभकामना देता हूँ कि अच्छी पिक्चर बनावे, अच्छी चले। फिल्म के हीरो नए हैं, आप उनसे मिले होंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, हीरो नए हैं पुराने नहीं, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, कंटेंट कैसा है, शूट कैसे करते हैं और वो एक्टिंग कैसे करते हैं तो वो चलता है। पुराने हीरो की भी कई बार हिंदी हो या कई हो, उनकी भी पिक्चरें नहीं चलती है और कई बार हम देखते हैं कि नए हीरो की भी अगर कंटेंट अच्छा है और एक्टिंग अच्छी तो पिक्चरें चल जाती हैं, तो आजकल कंटेंट मेन बेस है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक भोजपुरी भाषा के लिए आगे आई एक महिला जो कि प्रोड्यूसर हैं, तो मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने इतना हिम्मत और ताकत रखी कि इस दौर में भी एक अच्छे पहल के लिए उन्होंने तैयारी जोर शोर में कर रखी है। जी, प्रोड्यूसर ही नहीं, भोजपुरी के अंदर लेडी डायरेक्टर भी आनी चाहिए, लेडीज कोरियोग्राफर भी आनी चाहिए और सब आने चाहिए, आजकल तो वुमन पावर है, वुमन के पीछे नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं अभी 22 तारीख को रिलीज हो रही है लव मैरिज, जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद नागधारी, फिर दुल्हनिया लंदन वाली, इसके बाद हर हर महादेव रवि जी के साथ,
ये सारी रिलीज पे है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी फिल्में शूट कंप्लीट की है जो कि पोस्ट में है। और सबसे खुशी की बात है कि मेरे साथ में मैं काफ़ी दिनों से प्रयत्नशील था जो कि मैं पा चुका हूँ। मेरे साथ हैं अनिल कावरा जी, इनकी भी फिल्म कर रहा हूँ। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे इनके सेट पे मैं अमरीश सिंह को और पूरा इनकी यूनिट, और यूनिट के साथ हम कंटिन्यू 3-4 फिल्में कर रहे हैं। तो शायद ये साल तो मैं बिल्कुल अनिल काबरा ने पैक करके रख दिया है, मुझे बांध के रख दिया है। अब नए साल में इंतजार रहेगा कि इनका कितना आशीर्वाद मेरे साथ और मेरे कलाकारों के साथ और भोजपुरिया समाज के साथ इनका कितना लगाव और स्नेह प्यार बना है। मैं यही कहना चाहूँगी, फिल्म बहुत अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है। सबसे बड़ी बात यह है पारिवारिक फिल्म है, इसे पूरा परिवार बैठ के एक साथ देख सकता है और फैमिली ड्रामा है। तो रितेश जी के साथ मेरी ये फर्स्ट मूवी है और बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। वो काम को इतने प्यार से निकलवा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि काम कब निकल जा रहा है। लीड है, एज अ लीड काम कर रही हूँ। और किरदार की बात करें तो बहुत अच्छा किरदार है। हाँ, जैसा सीन होगा तो गेटअप तो वैसे ही होगा। शादी हो गई है फिलहाल फिल्म में, तो अभी ससुराल का सीन चल रहा है, फिर मायके का भी चलेगा जी। एक्शन भी है, कुछ एक्शन भी होगा जी। आपके हीरो हीरो जी से मेरी अभी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, बट बहुत सुलझे हुए व्यक्ति लग रहे हैं और अच्छे इंसान लग रहे हैं, तो काम करके अच्छा लगेगा उनके साथ जी। फिल्म के प्रोड्यूसर एक लेडी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। अभी मैं उनसे ज़्यादा मिली घुली नहीं हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे शूट का, तो अच्छा लग रहा है कि एक लेडी प्रोड्यूस कर रही है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी, रितेश जी के बारे में मैंने जैसे कि बताया ना कि बहुत अच्छे हैं सर, बहुत प्यार से काम निकलवा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा काम कब ख़त्म हो जा रहा है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बर्डन नहीं है सर पे, कोई प्रेशर नहीं, बस पता ही नहीं चला। अभी मैंने 3-4 सीन उन्होंने निकलवा दिया, पता ही नहीं चला। हाँ, अभी 3 मूवी आ रही है मेरी, एक मिशन पाकिस्तान और नरसिम्हा और बदतमीज लव हिंदी जी जी। नहीं नहीं, प्रॉपर हिंदी है और अच्छी मूवी है, सस्पेंस थ्रिलर है। तो आप जल्दी ट्रेलर उसका लॉन्च हो जाएगा, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, अच्छी बनी है। फिलहाल मैंने पूरी फिल्म देखी है और मुझे अच्छी लगी और दर्शकों को भी पसंद आएगी जी।